हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है इसमें हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन, उनके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करिएगा प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए, और कमेंट सेक्शन में अच्छी लगी रीडिंग तो आई क्लेम दिस रीडिंग, और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करिए। थैंक यू ज़रूर लिखिएगा, थैंक यू यूनिवर्स। आपके पर्सन आपके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन के करेंट फीलिंग्स 10 ऑफ हार्ट, वाओ, 4 ऑफ क्लब्स, पॉजिटिव। और देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं, 10 ऑफ स्पेड। आपके पर्सन आपके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं, 6 ऑफ डायमंड। आपके पर्सन क्या करेंटली फील कर रहे हैं, 9 ऑफ डायमंड। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, 7 ऑफ हार्ट। यहाँ पर जो एनर्जी आ गई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ज़्यादा जो है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ज़रूरी नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है ये। देखिए, आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि शाइनेस की वजह से या फिर किसी रीज़न की वजह से जो आपको इतना चाहते हैं, आपको इतना प्यार करते हैं, वो आपको बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपके बारे में कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं, दिन रात उनके बैक ऑफ द माइंड आप रहते हो, हमेशा थॉट्स में आप रहते हो, और ये पर्सन आपको वो कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर आप इस पर्सन से कम्युनिकेशन में हो, ऑलरेडी बातें आप दोनों के बीच में हो रही है, तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन के बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है कि वो आपको बताए अपने फीलिंग्स, पर नहीं पता आपके पर्सन रुक जाते हैं, बहुत चाहते हैं आपको, बहुत प्यार करते हैं आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपने दिल में ये सीक्रेट छुपा के रखा है कि वो आपसे कितना ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और आपसे ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग ये पर्सन एनर्जेटिक कनेक्शन फील करते हैं। आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो, या फिर आप दोनों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ कि आपके पर्सन को एनर्जेटिक वे में आपके बारे में पता चल जाता है या आपको उनके बारे में पता चल जाता है। तो ऐसे यहाँ पर सिचुएशन है। देखिए, अगर आप दोनों के बीच में इस वक्त नो कॉन्टैक्ट है तो भी इस पर्सन के दिल में बहुत प्यार है आपके लिए। ठीक है, नो कांटेक्ट होने के बावजूद प्यार है, और ये पर्सन चाहते हैं नो कांटेक्ट ठीक हो जाए, आप दोनों के रिलेशनशिप में दोबारा मौका मिले। और ये जो चीज़ है ये आपके पर्सन आपको बताने से हिचकिचाते हैं। आप दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, और एक दूसरे से ही आप फीलिंग्स ठीक तरीके से इजहार करते नहीं हो, बताते नहीं हो। ठीक है, हो सकता है स्टेटस का इश्यू हो, या फिर स्टेटस का इश्यू मुझे ऐसे ज़्यादा लग रहा है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से ये पर्सन कम्युनिकेशन नहीं कर पाते आपके साथ। डेफिनेटली एक एनर्जेटिक बॉन्ड फील करते हैं आपके साथ, एक कनेक्शन आपके पर्सन एंड नहीं करना चाहते हैं, वो दोबारा चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप ठीक हो। आपके बारे में बहुत ज़्यादा जो है इमेजिनेशन करते हैं, फिजिकली आप उनके अगर पास में नहीं हो तो ये पर्सन फिजिकल इमेजिनेशन करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल इमेजिनेशन इनके दिल में आपके लिए चलती है। ठीक है, और देखते हैं आपके पर्सन के क्या करंट फीलिंग्स हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं। पहला है 2 ऑफ वैंड्स। ठीक है, आपके पर्सन कोई मेन डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि वो एक ऐसे दो रास्ते में खड़े हैं जहाँ कि वो डिसिसिव इस वक्त डिसीजन उन्होंने नहीं लिया है, और वो लेना चाहते हैं डिसीजन कि उन्हें आगे इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। देखिए, 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर ये डिसीजन क्या लेना चाहते हैं कि उनकी विश फुलफिलमेंट, वो अपने विश को फुलफिल करना चाहते हैं, और उनकी विश जो है वो हो आप, आपके साथ उनकी खुशियाँ जुड़ी है। और क्या फील करते हैं आपके पर्सन,
पेज ऑफ एंड, देखिए आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं, मैसेज कॉल आपको करना चाहते हैं। और देखिए एस ऑफ सोर्ड, माइंड में 24 आवर्स यही चलता रहता है कि किस तरीके से अपने फीलिंग्स को कम्युनिकेट करूं, कैसे बोलूं, ठीक है। एंजाइटी स्ट्रेस भी आपके पर्सन को होता है इस वजह से। सन और मैजिशियन, ये पर्सन पूरी तरीके से जान लगा के आपके लिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने लाइफ में खुशियां मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इनको पता है कि इनकी खुशी क्या है, इनकी खुशी हो आप, ठीक है। आपके पर्सन के बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी 11/11 पोर्टल भी है, तो इस वजह से इनके थॉट्स बहुत चेंज हुए हैं और बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन, देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखिए अपने बातें, आपको अपने जो दिल की बात है वो इजहार करने से कितना घबराते हैं, हो सकता है ये आपके पर्सनालिटी से डरते हैं, या फिर वो डरते हैं कि आप उन्हें रिजेक्ट ना कर लो, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव भी रहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, आपको चाहने वाले बहुत हैं तो आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, ऐसा उनके दिल में एक फीलिंग्स है, फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। इस वजह से ये पर्सन जो है अपने फीलिंग्स को हाइड कर देते हैं, और आपके साथ चाहते हैं रिलेशनशिप कंप्लीट हो, पर ऐसा लगता है कि खुद के फीलिंग्स को हाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा खुद को मना लेते हैं कि थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं आपके लिए, टाइम ले लेते हैं मतलब ये बताने के लिए कि आपको अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, ये पर्सन सोचते हैं नहीं आज नहीं कल करते हैं, इस तरीके से टालते हैं। और क्या फील करते हैं, देखिए फोर ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, अगर आपसे दूर है, नो कांटेक्ट में है, तो रिकन्सिलेशन चाहते हैं, और अगर आपसे कांटेक्ट में है, ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ये आपको मैनिफेस्ट करने हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, एक लीगल रिलेशनशिप में आपके साथ आना चाहते हैं, जस्टिस कार्ड एंड ऑफ द डेक आया है, और अगर नो कांटेक्ट में है तो ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इन्होंने जो भी गलत किया था उसके लिए बहुत रिग्रेट फील करते हैं, और उन्होंने जो आपको नाराज़ किया था उस वजह से भी बहुत ज़्यादा अपसेट फील कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। और देखते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके पर्सन क्या फील करते हैं आपके लिए, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं। तो इससे हम लेंगे 3 कार्ड। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल फॉर्म्स। और है रिट्रीट, एंड ऑफ द डेक आ रहा है कीप एन ओपन माइंड। देखिए आपके पर्सन फील करते हैं, पर्सन ने इनसिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम है, इस वजह से ये अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ओपन अप नहीं हो पाते हैं। ये पर्सन चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, तो आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में ले जाए, मतलब आपसे एंगेजमेंट हो, आपसे मैरिज हो, ठीक है, ऐसा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों कहीं एक ऐसे जगह जाओ जहाँ कि आप दोनों हो सिर्फ और कोई ना हो, इस तरीके के आपके पर्सन इमेजिनेशन करते हैं, वो चाहते हैं कि पूरे दुनिया से डिस्कनेक्ट होके आप दोनों बस रहो, ऐसा ये पर्सन फील कर रहे हैं। तो आपके पर्सन ऐसा भी लगता है किसी सेफ टाइम का वेट करें जिसमें कि वो अपने दिल की बात खुल के आपको बता पाए, सेफ टाइम या सेफ प्लेस के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके पर्सन के तरफ से मैसेजेस ले लेते हैं, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहला मैसेज आया है यहाँ पे, गिव मी अ चांस, जैसे मैंने आपको बताया अगर नो कांटेक्ट है, ये पर्सन आपसे दोबारा मौका चाहते हैं, बोल रहे हैं कि मुझे एक मौका दे दो। यू आर माई सोलमेट, आपके पर्सन को लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, एक दूसरे से सोल टू सोल कनेक्शन फील करते हैं, बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन है। आई विल हील ऑल योर पेन, अगर इस पर्सन ने पास्ट में आपको धोखा दिया है, पास्ट में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप हर्ट हुए, तो ये पर्सन उस दर्द को मिटाना चाहते हैं। आई विल फॉरगिव यू, देखिए आपके पर्सन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई गलती की है तो वो उसके लिए भी माफ़ करने के लिए रेडी हैं। लव कैन नॉट बी वन साइडेड, अभी उनको ऐसा लगता है कि ये जो प्यार है वो वन साइडेड है, ठीक है, हो सकता है आपके तरफ से इतना अट्रैक्शन नहीं है, और आई विल फॉरगिव यू का मीनिंग ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं।
आई एम वरीड अबाउट यू, आपके बारे में बहुत चिंता करते हैं, बहुत सोचते हैं, वरीड रहते हैं कि उन्होंने जो आपका दिल तोड़ा है, कहीं आप उन बहुत रोते तो नहीं हो, आप कैसे हो, ऐसे सोचते रहते हैं। आई क्राई इनसाइड ऑफ मी, अपने अंदर ही अंदर बहुत रोते हैं। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट, आपके पर्सन समझते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो बाहर से भी सुंदर और अंदर से भी बहुत खूबसूरत हो। नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट, उनको ऐसा लगता है कि कोई भी आपकी जगह उनके दिल से नहीं ले सकता है। आई मेड मैनी मिस्टेक्स वेन आई चूज समवन एल्स, हो सकता है आपके पर्सन ने किसी और को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था, आपको नहीं दिया था, और वो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं इस वक्त। आई मेड मिस्टेक, उनको लगता है उन्होंने गलती की कि उन्होंने किसी और को चूज़ किया, ठीक है, ऐसे आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, होप आपको अच्छी लगी हो, आपके साथ रेजोनेट हुई हो। रेजोनेट हुई है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करिए, थैंक्स यूनिवर्स। और आप आई क्लेम दिस रीडिंग भी लिख सकते हैं, और लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलेगा, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे पुराने सारे सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।